हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मबरिक रूम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्स इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपका टारगेट एम्स है, तो आपको कितना स्कोर लाना पड़ सकता है नीट 2022 के एग्ज़ाम में। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एम्स के सभी इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, 1920 इंस्टीट्यूट, इन सब की डिमांड एक जैसी नहीं होती है। कुछ एम्स इंस्टीट्यूट की डिमांड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी कम होती है। डिपेंड करता है कि एम्स के इंस्टीट्यूट कब ओपन हुए या फिर उनका क्या इस समय किस तरह से उनका फैकल्टी चल रहा है, किस तरह से उनका इंफ्रा है, किस तरह से उनकी फैसिलिटी है, ये भी एक प्रायोरिटी होती है बच्चों की। तो मेरली केवल एम्स नाम से एडमिशन ले लेना, ये बात कुछ जायज नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लाइक कुछ बच्चे पीजी कोटा के लिए भी सोचते हैं कि हम एम्स को नहीं लेंगे। इस तरह की बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं, कुछ इंफ्रा को, कुछ लोकेशन को प्रायोरिटीज देते हैं, तो ये भी बातें रहती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि एम्स उनका टारगेट है, तो उन्हें एम्स की सीट चाहिए, चाहे फिर वो एम्स मदुरई की ही क्यों ना हो, तो ये भी एक होता है। तो अब ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि नीट 2022 में अगर आपको टारगेट रखना है तो क्या रख सकते हैं। हालांकि जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है एमसीसी कराता है, और ये 4 या 5 राउंड का काउंसलिंग का प्रोसेस होता है फाइनली। और उसमें भी दोस्तों जैसे जैसे काउंसलिंग कंप्लीशन की तरफ जाती है, वैसे वैसे जो स्कोर होता है वो भी डिक्रीज होता है। लेकिन एक रेंज होता है, मैं वो रेंज आपको बताऊंगा, उस रेंज के बीच में गैप भी होगा, ठीक है। वो गैप आप देख के जान सकते हैं कि इस रेंज के बीच में आपको स्कोर करना पड़ सकता है। अब यहां पर आपको अगर मैं बता दूं कि फाइनल राउंड की काउंसलिंग में जितने स्कोर पे सीट मिली थी उतने स्कोर पे आपको सीटें मिल जाएंगी, तो ये आपको मतलब फूल बनाना हुआ। ऐसा मैं नहीं करूंगा, मैं एक सेलेक्टिव टारगेट जिस पे कि हाँ लगे कि हाँ 100% आपका टारगेट अचीव हो सकता है, मैं केवल वही टारगेट बताऊंगा कैटेगरी वाइज, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इन सभी कैटेगरीज की बताऊंगा। सबसे ज़्यादा जो स्कोर होता है, जैसा कि आपको पता है, जनरल कैटेगरीज का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, और एससी एसटी कैंडिडेट्स का काफ़ी लो जाता है। तो जो हमारा इस बार का स्कोर हो सकता है दोस्तों, वो कुछ इस रेंज में हो सकता है। जनरल के बच्चों को कम से कम मिनिमम 595 टू 600 के बीच में स्कोर, या 620 के बीच में स्कोर ये रखना पड़ेगा। गैप मैंने इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रखा हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे मैं आपको फाइनल काउंसलिंग के बेसिस पे डेटा नहीं बता सकता हूँ। जो पॉसिबिलिटीज़ लगती है, जिस तरह से आने वाले टाइम में क्वेश्चन पेपर का लेवल, या फिर किस तरह से इस बार टाइम भी ज़्यादा दिया गया है आपको, 200 मिनट में 200 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लाइक प्रीवियस ईयर्स 200 क्वेश्चंस थे 180 मिनट्स में, तो इस बार टाइम आपको दिया है, तो कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो सकता है। इसलिए मैंने ये डेटा जो आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने इसके बीच में गैप बनाया हुआ है। तो एक एग्जैक्ट डेटा तो आपको दिया नहीं जा सकता। अगर आप कोई ये कहता है कि एग्जैक्ट डेटा हम दे देंगे, तो वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके बीच में रेंज में अगर आप रखते हैं तो एम्स इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस बार 50% प्राइवेट सीटों के लिए भी गवर्नमेंट फीस लगेगी, उसका भी इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। इसके बारे में मैं एक वीडियो जरूर बना के आपको बता दूंगा कि उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। दैट्स ऑल।